समझ में नहीं आ रही क्या बना है। राम सिंह जी को ये नाश्ता किसने बनाया? ये नाश्ता हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। क्यों, क्या हो गया? ये तो आपका फेवरेट नाश्ता है ना? स्वरूप, इतना बेस्वाद नाश्ता हमने आज से पहले कभी नहीं किया। ऐसा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आप हमें कभी बता दीजिए, हम अभी दोबारा बनवा देते। नहीं छोड़िए स्वरूप, सुबह सुबह हम नाश्ते के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन नहीं कर सकते। हम ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन आज के बाद ये नाश्ता हम दोबारा नहीं खाएंगे, समझिए आप। नंदनी बहुरानी की रेसिपी थोड़ी अलग थी, जो तुम खुशी खुशी खा लेते थे। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप जाइए जाके अपना काम कीजिए। आपकी जगह को। नंदनी भी सोने की गिन्नी के साथ साथ हमारे पति का स्वाद भी जीत कर चली गई। मॉम जल्दी चलिए, दादी साहब बहुत गुस्से में। हम पूछ रहे हैं ये चाय किसने बनाई? माँ साहब वो लखन सिंह ने ही बनाई है, लेकिन बनवाई हमने है, वही आपकी एक पुरानी खास चाय। इसे खास कहते हैं? दूध चीनी और चाय पत्ती उबाल देने से चाय बनाना कहते हैं क्या? माँ साहब इतने सालों से तो हम यही बनवाते आ रहे हैं और अब खुशी खुशी पीते आ रही है ये चाय। नहीं, नंदिनी बहू जो चाय बनवाती थी उसकी बात ही कुछ और थी। किसी को बनाने आती है वैसी चाय? हुकुम हमें आती है और हम उसी तरीके से बना भी रहे थे, पर हुकुम ने माफ कीजिए हुकुम, आखिर बनाई तो हमने ही, हम दोबारा उसी तरीके से बना कर लाते हैं। हाँ जाइए जाइए, जल्दी बना के लाइए। ये नंदिनी भी ना साथ, जब से इस घर में आई है ना सबका खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया है। इसे टेस्ट खराब करना नहीं कहते हैं, इसे स्वादिष्ट खाना खाने की आदत लगाना कहते हैं। दादी साहब आप मॉम के साथ सरासर नाइंसाफी कर रहे। नंदिनी के आने से पहले इतने साल तक मॉम ने तो सबका ध्यान रखा है और आज उस बात की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है और हमेशा रहेगी, लेकिन किसी की अच्छाई की तारीफ नहीं करना ये भी तो नहीं होता ना। और फिर नंदिनी बहू ने रसोई इतनी अच्छी तरह से संभाली थी कि सुबह की चाय से लेकर नाश्ते तक उनके स्पेशल टच की याद आती है। सर दुनिया में किसी की भी जगह खाली नहीं रहती और हमें पूरा यकीन है कि स्वरूप बहू बहुत जल्द अपने जायके से नंदिनी को भुलाने पर मजबूर कर देगी। सर दिल्ली और साउथ का सर्वे काफी पॉजिटिव जा रहा है। महिलाओं के लिए पिछले दिनों जो कुछ भी नंदिनी जी ने किया है वो पीआर के काफी फेवर में जा रहा है। I mean, पार्टी के लिए यहाँ से काफी अच्छे वोट मिल सकते हैं। सर यहाँ पर एक बात और देखने को मिली कि नंदिनी जी द्वारा किए गए कामों की चर्चा यहाँ पर काफी लोग कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो दोस्त बनकर मेरी मदद ही कर रहे हैं। सर वुड यू लाइक टू रिएक्ट? आई एम गिल्टी। सर हम कुछ समझ नहीं पाए। वी हैव टू वर्क ऑन न्यू स्ट्रेटजीज। बिना नंदिनी को इन्वॉल्व किए। लेकिन क्यों सर? क्योंकि पार्टी कैंपेन के लिए हम नंदिनी पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमें सीएमशिप राजवीर को दिलानी है, ना कि नंदिनी। गॉट इट? ओके। नंदिनी चाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बेटा, खुश रही। Thank you माँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajveer. Happy birthday to you. गोर, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू दादी। जीते रहिए, खुश रहिए,
many happy returns of the day, Rajveer. Thanks, Sachi. आज हम आपके लिए grand party throw करेंगे. No, ma. Not this time. I don't want any party. ऐसे कैसे हो सकता है राजवीर? Party is a great idea. हाँ भाई, पार्टी तो होनी चाहिए राजवीर. देखिए, एक तो आपका ध्यान हट जाएगा नल. हमारा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है उससे थोड़ा मन बहल जाएगा बस. और आपका मन बहलाने के लिए आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. अब आप पार्टी के लिए बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते. देखिए, सबका कितना मन है बेटा, लेकिन जिसका जन्मदिन है उसका मन क्या कह रहा है ये भी तो मायने रखता है ना. कुंवर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा. इस साल पार्टी नहीं होगी. हाँ, लेकिन हर साल की तरह आप भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जाएंगे. जी दादी सर, जरूर. जिन्होंने आप पर इतना शक किया, आप उसके लिए पूजा पाठ करने मंदिर जा रही? कल रात को तो इतनी नाराज थी ना आप उनसे, फिर आज अचानक से उनके लिए पूजा पाठ शुरू. सिद्धार्थ, नाराज मैं अभी भी, लेकिन मैं राजवीर जी की पत्नी भी और शादी के बाद उनका पहला जन्मदिन है. उन्होंने मुझ पर जो शक किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती. ये क्या बात हुई दीदी? सिद्धार्थ बेटा, औरत के दिल को आज तक कोई नहीं समझ पाया, बड़े से बड़ा संत और महात्मा भी नहीं. इसलिए तुम बेटा कोई ऐसी वैसी कोशिश ना करके चुपचाप अपनी दीदी का साथ दिए जाओ बस. क्यों, आप नहीं चल रहे क्या? नहीं आंचल जी, हमारी क्या जरूरत है, आप लोग हो आइए. सिद्धार्थ तो है ही है आप लोगों के साथ. अंदर आइए. अभय, आप यहाँ कैसे? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मंदिर. राजवीर जी का जन्मदिन है ना आज, तो उनके लिए. जिस आदमी के शक की वजह से तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ा उसी के लिए मंदिर जा रहे हैं. बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा नंदन, पर ऐसा क्यों? जिसे तुम्हारी कदर नहीं उसके लिए सब क्यों करना? यही सवाल मेरा भी है. राजवीर जी भले ही अपने पति होने का फर्ज भूल चुके हैं, लेकिन मैं अपने पति होने का फर्ज नहीं भूली. तुम किस मिट्टी की बनी हो नंदिनी? तुम जैसी पत्नी किस्मत वाले को मिलती है, और जिसे तुम्हारी कदर नहीं उससे बड़ा बदकिस्मत भी और कोई नहीं. मैं तो अपने काम से मजबूर हूं, इसीलिए दोस्त बनकर तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है. साइड में. अरे हम लोग भी तो कब से लाइन में खड़े हैं ना, ये क्या? वीआईपी दर्शन है, चलो हटो. सिक्योरिटी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यही खड़े रहिए, हम लाइन से आते हैं. भगवान के दरबार में सब एक समान होते हैं, कोई वीआईपी नहीं होता.
माफ करिएगा। चलिए पीछे चलिए लाइन के आइए। पर भी आ गई। मासा को तो देखिए, वे खुश नजर आ रही हैं। इनकी फेवरेट बहू जो आई है यहाँ पर, हमारी शक्ल में तो जैसे कांटे लगे। मॉम, दिस इज द मैटर। दादी साहब को बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि उनकी फेवरेट बहू कौन है। आप हमें लेकर कितनी पॉजिटिव रहती हैं ना। आई विश ऐसा ही। ऐसा ही होगा मॉम। चलिए चलिए। Tanana dum 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 tanana dum tanana dum 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 tanana dum tanana dum 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 tanana dum tanana dum 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 tanana वो सुनाई नहीं दे रहा है। जरा पूजा की थाल आगे दीजिएगा पंडित जी को। देवी माँ, राजवीर जी ने मेरे साथ चाहे जो भी किया, पर आप उनका हमेशा ख्याल रखना। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। I think ये नंदनी ना यहाँ पे जानबूझ के आई। इसको पता तो चल ही गया होगा ना मॉम कि हम लोग आने वाले हैं। देखो, look, कैसे राजवीर के साथ आशीर्वाद ले। Like a stellar couple, ये लड़की एक मौका नहीं हाथ से जाने देती। Unbelievable she is. बेटा, हम एक बार राजवीर जी से बात करके आते। नहीं माँ, इस सब की कोई जरूरत नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी पर शक करने की? किस दिन के लिए शादी करी थी? छोटी कोच है राजवीर जी आपकी, बहुत छोटी। आपकी कोई अपनी बहन पर इस तरह इल्जाम लगाता ना, तब आपको पता लगता कि किसी की बहन पर इल्जाम लगाकर क्या बीत। अरे चलो, सिक्योरिटी धक्के मार के इस लड़के को बाहर निकालो यहाँ से। और कर भी क्या सकते हैं आप लोग। खबरदार अगर मेरे भाई को किसी ने हाथ लगाया तो। पता है आपको दीदी यहाँ मंदिर क्यों आई है? पता है आपको? सिद्धार्थ चुप कर, एक शब्द मुंह से मत निकाल। चलो
राजवीर चल चलिए गाड़ी में बैठ। सिद्धार्थ मंदिर आए हो ना, तुम दिमाग ठंडा नहीं रख सकते थे? चलो ठीक है दीदी, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। सिद्धार्थ बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो। आप लोग रुकिए, मैं टैक्सी करके आता। ढेर सारे रुमाल खरीद लीजिएगा, वैसे भी आपको जिंदगी भर रोना ही है ना, वो रुमाल आपको बहुत काम आएगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे आंसू पोंछने वाले के मैं अभी दर्शन करके आ रही हूँ। ये लीजिए, इनकी तरफ से आपके नाम से दिया है, आपको थोड़ा पुण्य मिल सके, आपके पाप का घड़ा बढ़ चुका है, इसलिए आपको दुआओं की बहुत जरूरत है। नंदन क्या कह रही थी? मेरे जख्मों को कुरेदने आई थी, भगवान अब दोनों की जोड़ी बनाए रखे। आपकी कोई अपनी बहन पर इस तरह इल्जाम लगाता ना, तब आपको पता लगता कि किसी की बहन पर इल्जाम लगाता ना क्या आपको? अबे हम सोच रहे थे कि इस प्रोजेक्ट, अबे क्या बात है, हम तब से देख रहे हैं कि आप हमारे बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। नथिंग मैम, आप कुछ नहीं। अब क्या बात है? हाँ बेटा बोलिए। माँ आपने बिल्कुल सही कहा था, अब हमें खुद को अपनी जिम्मेदारियों में और पार्टी ऑफिस के कामों में पूरी तरह बिजी कर देना चाहिए। अब बस यही तरीका है अपने आप को इन सब बातों से दूर रखने का। हेलो, तो गल सर, नंदिनी बोल रही। सर क्या मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? तो एक काम करिए, आप पार्टी ऑफिस आ जाइए, आज से ही काम शुरू कर दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। और बेटा आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। थैंक यू सर जी, मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस आ रही। थैंक यू।
राजवीर अब हमारे साथ सियासत को पूरा टाइम देंगे और ये सियासत अब उनके दिल से नंदिनी को ऐसे बाहर निकाल फेंकेगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हेलो, हैप्पी बर्थडे राजवीर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। सॉरी राजवीर, मैं तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया। हालांकि मैंने नंदिनी से आने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन एनीवेज होप इट वाज अ गुड सरप्राइज फॉर यू। सर, आप कौन सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैं उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूँ जो नंदिनी ने अभय के साथ मिलकर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज की थी। नंदिनी ने तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ साथ मुझे भी इनवाइट किया था और पार्टी का थीम था म्यूजिक। तो नंदिनी फार्म हाउस सिर्फ हमारा सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने गई थी?